थैंक्स, दिस इज नयन झा, फिजिक्स टीचर। आज मैं फिजिक्स के अलावा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अबाउट मणिपाल हॉस्पिटल विच इज सिचुएटेड इन पालम बिहार गुरुग्राम नियर सेक्टर 23। एक घटना है 27th of June व्हेन आई वाज टीचिंग इन माय सेंटर, तो मुझे कॉल आया कि आपके घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया। ऑब्वियसली अगर आप सुनते हैं तो शॉक होते हैं, तो शॉक तो फैमिली पता चला कि मेरा बेटा जो सेकंड फ्लोर से नीचे रोड पर PCC रोड पर गिर चुका। तो हमारे नियर अबाउट कोलंबिया ऐसे जो कि नॉम से जाना जाता था पहले, नाउ इट इज़ मणिपाल हॉस्पिटल, तो जो हमारे घर के नज़दीक भी था और हमारे सारे पहले से भी यहाँ पर सारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी डिजीजेज होते थे, ये भी प्योर होता। तो इवन समवन सजेस्टेड कि दैट विल बी टू मच एक्सपेंसिव, एंड जो भी उनका अपना रिव्यू था उन्होंने दिया, बट आई इग्नोर्ड एवरीवन एंड आई केम टू कोलंबिया आईसीएम। इट वाज हॉरिबल टू सी माय सन एट दैट मोमेंट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि डर अब समझ सकते हो क्या, जब सेकेंड फ्लोर से लगभग नियर अबाउट 30 या 40 feet से कोई बच्चा 11 years का बच्चा गिर जाता है, तो क्या सोच, पापा अगर मैं क्या सोच सकता हूँ, आप समझ सकते हो। खैर मैंने विश्वास किया और मैं यहाँ आया, तो इमरजेंसी जब वार्ड में एंटर किया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया मुझे, उन्होंने सारी बातें समझाई बिल्कुल एक पॉइंट से पढ़ लिया कर, क्या मेडिसिन चल रहा है, किस डॉक्टर के अंदर है, हर एक चीज़ को जो भी कर रहे थे वो मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहे थे। और एक बच्चों का डॉक्टर, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जो मणिपाल में वर्किंग है, तो वो आए हमारे कंसर्न में, आए उन्होंने बताया, उन्हीं के अंदर में सारा काम सारी बातें हो रही थी। तो उनकी हेड, मेरे बच्चे की हेड इंजरी थी, इट वाज टोटली फ्रैक्चर्ड एंड इम्पैक्ट पूरा ब्रेन पे पड़ा हुआ था, और इसकी L2, L3, L4 जो कि अब टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम थी। तो आप समझ सकते हैं कि माइंड पर इस ढंग से अगर आप नियर अबाउट 30 feet से गिरते हो तो क्या इम्पैक्ट होता है, यानी इम्पल्स की बात आप समझ सकते हो। तो चांसेस तो मुझे डर लग रहा था, अगर मैं सोच इमेजिन करने पर मुझे डर लग रहा था, लेकिन डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने मुझे बताया कि नहीं सर, इट्स अंडर कंट्रोल, और मैं 100% श्योर हूँ कि यू विल बी रिकवर्ड। एंड डॉक्टर अभिषेक के साथ उनका एक कलीग डॉक्टर निशांत याग्निक, जो कि न्यूरो सर्जन है हमारे यहाँ पर मणिपाल में, तो उनसे बात हुई हमारी, और जब उनसे बात हुई तो मैं कन्फर्म हो गया कि यू विल बी फाइन। हालांकि सभी का फ़ोन आ रहा था कि सभी जानना कोशिश करके, वो चीज़ जो था वो यू नो इट्स टफ टू इमेजिन, भगवान ना करे किसी के लाइफ में ये चीज़ें आए जो कि हमारी लाइफ में आया, तो खैर अभी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि डॉक्टर ने जिस ढंग से मुझे अप्रोच किया, जिस ढंग से चीज़ों को समझाया, जिस ढंग से बताया कि मेडिसिन, इवन वो कुछ भी करते थे आपसे कंसर्न लेते उन चीज़ों को देखते हुए, और स्टाफ जो हमारे नर्सिंग स्टाफ, दैट वाज अमेजिंग अनडाउटली। इनको जब मैं थैंक्स बोलूँ तो बहुत कम हो गए, थैंक्स वॉचिंग के लिए बहुत कम हो गए। तो गया अभी जो है लगभग ये 10वां या 11वां दिन है, 9 अब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाला हूँ, और फिलहाल वो इतना ज़्यादा मतलब कि ठीक है कि वो समझ पा रहा है चीज़ों को, हर एक चीज़ों को हंस रहा है, सब कुछ कर रहा है, ही इज़ नॉट टोटली क्योर, इट विल टेक नियर अबाउट 2 or 3 months, क्योंकि हमें खुद से करना पड़ेगा और हमारे हॉस्पिटल के कंसर्न में आ रहा है। तो सारी चीज़ें अच्छी रही फिलहाल, जहाँ तक मेरा रिव्यू है। थैंक्स डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, निशांत याग्निक, एंड थैंक्स मणिपाल कि आपने इतना हेल्प किया कि मैं अपने बेटे को फिलहाल में लेकर अपने घर जा रहा हूँ। होप अगर आप जो देख रहे वीडियो, मैं बताना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो क्या करेगा, सिर्फ इट्स अबाउट मनी ओनली, नो, अगर आपको ज़रूरत है दे विल फुलफिल। और थैंक्स मणिपाल अगेन कि मैं अभी तक अपने बेटे को लेकर अच्छी तरह से जा रहा हूँ। इट विल टेक 1 or 2 months more टू रिकवर इट कम्प्लीटली, बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड।